वार्ड में पेशेंट है उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या उसको इमिजिएटली डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है और जो वहाँ का जो इंचार्ज है उसको इमिजिएटली जो मैसेज पास करना है टू द कंसर्न डॉक्टर में, तो वो कोर्ट ब्लू का मतलब है कि हमें स्टाफ को पता होता है कि कोर्ट ब्लू में हमें जो कंसर्न स्टाफ को पैच करके अलाइन करना है। वी हैव कोड ब्लू विच इज़ फॉर मेडिकल इमरजेंसीज, वी हैव कोड रेड फॉर फायर, वी हैव कोड पिंक फॉर एनी इन्फेंट और चाइल्ड अबडक्शन, वी हैव कोड वायलेट फॉर एनी वायलेंट पेशेंट एक्सीडेंट, वी हैव एक्सटर्नल कोड के लिए कोड अरेंज है, येलो कोड इज़ फॉर इंटरनल डिजास्टर जिसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, बॉम्ब के लिए ब्लैक कोड है और किसी भी हैजार्डस केमिकल गैस के रिलीज पे हमारे पास ब्राउन कोड है। अब अगर ये इनमें से कोई भी ऐसी इमरजेंसी कहीं पे भी हमारे यहाँ पे होती है तो कंसर्न स्टाफ जो वहाँ पे होगा वो ये पर्टिकुलर कोड जनरेट कर सकता है। अमन मेडिकल कॉलेज में न्यू इमरजेंसी कोड सिस्टम जो है इसे सेटअप किया गया है और लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाला है क्योंकि हर तरीके की इमरजेंसी हैंडलिंग जो है उसे और ज्यादा ईजी जो है बना देगा। मेरे साथ डॉक्टर संदीप डोगरा मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से ये इमरजेंसी कोड सिस्टम जो है ये वर्क करेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये इमरजेंसी कोड सिस्टम जो है ये वर्क करेगा। देखिए ऐसा है कि किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसीज काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, इट्स ए वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड इसका जो रिस्पांस है वो भी लोग इसको देखते हैं और बात करते हैं। अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो ये जो किसी भी इमरजेंसी की जो चीज़ होती है कि आप उसका रिस्पांस कितनी फास्ट करते हैं, कितना एक्यूरेट करते हैं और उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका आपस का जो कम्युनिकेशन है वो कितना रिलायबल है, ये सिस्टम इन सब चीज़ों को फॉलो करता है। वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें ऐसे सिस्टम की तो एक स्टैंडर्ड है जिसमें कि इस तरह के इमरजेंसी कोड्स यूज़ किए जाते हैं। हमने उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपना ये सिस्टम यहाँ पे जीएमसीएच में फर्स्ट फेज में लॉन्च किया है। अब जैसा आप देखेंगे कि अलग तरह की किसी भी हॉस्पिटल में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें कि आपको रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोड ब्लू की बात करते हैं, कोड ब्लू में होता है कि किसी अगर वार्ड में पेशेंट है उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या उसको इमिजिएटली डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है और जो वहाँ का जो इंचार्ज है उसको इमिजिएटली जो मैसेज पास करना है टू द कंसर्न डॉक्टर में, तो वो कोड ब्लू का मतलब है कि हमें स्टाफ को पता होता है कि कोड ब्लू में हमें जो कंसर्न स्टाफ को पैच करके अलाइन करना है। फायर हो सकती है, कोई बम ब्लास्ट हो सकता है, कोई वायलेंस की बात हो सकती है, तो ऐसे सब के लिए डिफाइंड कोड्स एस्टेब्लिश्ड हैं और हमारा काम था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, आईटी बेस्ड सिस्टम बनाया जाए कि जो रिस्पांस टीम है और जो स्टाफ है इनके बीच में एक ऐसा कम्युनिकेशन हो कि टाइम ना वेस्ट हो और इमिजिएटली इंफॉर्मेशन जो भी आदमी है जिसने वो काम करना है, जिसने वो रिस्पांस करना है उसके बीच में वो तालमेल जो है वो बनाया जाए। ये उसी का एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमारे जितने भी वार्ड्स आप देखेंगे उन सब में ऐसे सिस्टम है जिसमें कि वो लोग वहाँ से कोड्स जनरेट कर सकते हैं और ये हमारा कंट्रोल रूम है, यहाँ पे हमने सिस्टम बनाया हुआ है। इस कंट्रोल रूम में 24/7 स्टाफ यहाँ पे काम करता है और जब भी कोई ऐसा रिस्पांस की कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई भी अगर कोड वहाँ से रेज होता है तो यहाँ की जो टीम है कंसर्न्ड जो अपनी जो टीम होती है उसको वो पैच करती है, अलर्ट करती है ताकि उस पर्टिकुलर जो भी ऐसी चीज़ है उसका जो समाधान किया जा सके। अगर हम स्टाफ की बात करेंगे तो स्टाफ को तो एजुकेट किया जा रहा है, तो क्या जो पेशेंट्स या फिर जो उनके अटेंडेंट हैं उनको भी इसके बारे में थोड़ी बहुत एजुकेशन जो है दी जा रही है? देखिए ये सिस्टम बेसिकली स्टाफ के लिए है, हेल्थ केयर स्टाफ के लिए है, बिकॉज ये कोर्स हैं इनका जो सही नॉलेज होता है वो स्टाफ को पता रहता है, बिकॉज दे नीड टू एक्ट फास्ट और उनको जब हम कोई कोड जब जनरेट करते हैं, सपोज़ कोई भी कोड जनरेट करते हैं तो स्टाफ को मालूम होता है कि ये कोड किस चीज़ का है और अपने आप वो अपना काम करते हैं और उस कोड को मतलब जो भी करने की चीज़ होती है वो करते हैं उसको। तो ये टोटल कितने कोड्स हैं जिसमें ये पूरा हॉस्पिटल की अलग अलग चीज़ें जो है हम कवर? अभी जो हमारे पास जिसे आप ध्यान देखेंगे वी हैव 8 कोड्स, वी हैव कोड ब्लू विच इज़ फॉर मेडिकल इमरजेंसीज, वी हैव कोड रेड फॉर फायर, we have code pink for any infant or child abduction, we have code violet for any violent patient accident, we have external code ke liye code arrange hai, yellow code is for internal disaster jisme koi bhi cheez ho sakti hai, bomb ke liye black code hai aur kisi bhi hazardous chemical gas ke release pe hamare paas brown code hai। ab agar ye inme se koi bhi aisi emergency kahin pe bhi hamare yahan pe hoti hai to concerned staff jo wahan pe hoga wo ye particular code generate kar sakta hai और इमिजिएटली कंट्रोल रूम के स्टाफ को पता लग जाएगा कि ये कोड वहाँ से आया है और उनका काम रहता है कि जो भी उस कोड की कंसर्निंग जो टीम होती है जिसका एक्शन चाहिए होता है उसको यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है। और यस मेन इसका है कि
प्रिसिशन बिना किसी मिसकम्युनिकेशन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इंफॉर्मेशन का जाना और क्विक रिस्पॉन्स, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ दिस सिस्टम। और स्टाफ आपका एजुकेट हो गया है? वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग बिकॉज एक टेक्निकल स्किल्ड काम है। हम अपना जो वार्ड का जो हमारा स्टाफ है उनको भी ट्रेन कर रहे हैं और जो हमारा यहाँ पे डिप्लॉयड स्टाफ होगा जो यहाँ पे काम करेगा उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। दिस इज इन प्रोसेस, वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिस्टम। आफ्टर यू थिंक कितना हेल्पफुल होने वाला है ये पूरे हॉस्पिटल के लिए, लोगों के लिए? मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई भी इमरजेंसी होती है उसमें अगर किसी को ये पता लग जाए कि ये इमरजेंसी में जो जो चीज़ जिस आदमी ने करनी है अगर वो कन्वे वहाँ तक जल्दी हो जाए और अपना रिलायबली हो जाए तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो सबसे पहले तो पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर के कहाँ पे है, डॉक्टर क्यों नहीं आया। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि अगर किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में जो कंसर्निंग डॉक्टर इमिजिएटली वहाँ पहुँचता है तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। और बाकी के हॉस्पिटल्स में भी अभी आगे कुछ प्लान है कि बाकी के हॉस्पिटल्स में भी? मैडम ये फेज़ वाइज हमने प्लान किया है। ये फर्स्ट फेज़ में क्योंकि GMCH हमारे सारे हॉस्पिटल में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है तो फर्स्ट फेज़ में हमने इसको यहाँ पे इसको स्टार्ट किया है। सेकंड फेज़ में हमारा टारगेट है कि जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे स्टार्ट करेंगे और इस तरह से धीरे धीरे सारे हॉस्पिटल पे स्टार्ट करके इसको नेटवर्क करेंगे। और ये कब से ऑपरेशनल होगा? ट्रेनिंग के ऊपर है, जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो वी विल बी रेडी टू स्टार्ट। सो ये सिस्टम का थोड़ा सा आपको ब्रीफ आपको ओवरव्यू देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, जो हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड GMC में अभी लॉन्च किए गए ये एक यूनिवर्सल कोड लैंग्वेजेस है जो सारे के सारे हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती है स्टाफ के लिए, ताकि स्टाफ किसी भी तरह की इमरजेंसी में जो एक्शन होता है उस एक्शन को प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकें। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर अभी तक 8 इम्पॉर्टेंट जो कोड हैं जो हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं हमने उन 8 कोड्स को हमने इसको लॉन्च किया है। अब इस कोड को अगर मैं सिर्फ आपको 2-3 कोड्स एक्सप्लेन करूं तो उसमें फॉर एग्जांपल किसी भी वार्ड में कोई भी पेशेंट है, उस पेशेंट को किसी भी तरह की इमरजेंसी में डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट फेंट हो जाता है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो वहाँ से जो कोड एक्टिवेट होगा उस कोड का नाम होगा कोड ब्लू। सारे हॉस्पिटल के स्टाफ को ये पता चल जाएगा ऑडियो एड्रेसिंग सिस्टम से कि कोड ब्लू एक्टिवेट हुआ है। तो कोड ब्लू में सिर्फ डॉक्टर्स को पता है कि हमें ही एक्शन लेना है। फॉर एग्जांपल अगला एक कोड है कोड रेड। कोड रेड इज़ यूज्ड फॉर फायर। अब एक छोटी सी हम एक एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल किसी भी हॉल में कहीं पर आग लग जाती है, अगर ऑडियो एड्रेसिंग सिस्टम पर बोला जाएगा फायर 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 आग, उसकी वजह से क्या होगा, लोगों में स्टैम्पेड होगा और लोग जो होगा हॉस्पिटल में एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए सिर्फ माइक के ऊपर बोला जाएगा कोड रेड। अब उस कोड रेड का मतलब जो है वो सिर्फ स्टाफ मेंबर्स को पता है। इसीलिए जैसे सर ने बोला कि ये जो है सिर्फ स्टाफ के यूज़ करने की चीज़ है, क्योंकि अगर हम पेशेंट केयर की बात करें पेशेंट की केयर पेशेंट खुद नहीं करेगा, पेशेंट की केयर डॉक्टर्स और स्टाफ करेगा। तो इसलिए ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को हम टीम एड्रेसिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करेगी कोड लैंग्वेज, जिस कोड लैंग्वेज के बारे में स्टाफ को नहीं पता होगा। कोड वॉलेट इस्तेमाल होगा, जैसे GMC में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। आप आए दिन सुनेंगे कभी इमरजेंसी के बाहर किसी की लड़ाई होगी, किसी पेशेंट ने पेशेंट के अटेंडेंट्स ने डॉक्टर्स पे अटैक कर दिया। अब उस चीज़ में डॉक्टर्स को बचाने के लिए या फिर किसी भी तरह की लड़ाई को अवॉइड करने के लिए कोड वॉलेट एक्टिवेट होगा। जैसे ही माइक्स के ऊपर अनाउंसमेंट होगी कोड वॉलेट की, उसी समय सारे की सारी पुलिस डिपार्टमेंट, जो भी हॉस्पिटल के अंदर हमारा पुलिस चौकी है वहाँ से लेके सिक्योरिटी गार्ड्स सब उसी पॉइंट के ऊपर रश करेंगे और उस प्रॉब्लम को एज अर्ली एज पॉसिबल रिजॉल्व करेंगे, ताकि किसी भी तरह की लड़ाई जो है हॉस्पिटल में बढ़ ना जाए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी कोड सिस्टम जो है वो सेटअप किया गया है और किसी भी तरीके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को फुली इक्विप्ड जो है वो बनाया जा रहा है और इमरजेंसी कोड सिस्टम जो है उसे सेटअप किया गया है कि किसी भी तरीके की अगर इमरजेंसी आती है तो उसे किस तरीके से बिना हेसल के स्विफ्टली हैंडल जो है वो किया जाए, और आप लोगों के लिए आम जनता के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो होने वाली है।